हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑटोमोबाइल पीवी। गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पल्सर 125 लेजर एडिशन की। तो गाइस, वीडियो को ना लंबा करते हुए शुरू करते हैं फ्रंट से। गाइस, फ्रंट पे आपको यहाँ पे लाइट ब्लैक वाइजर मिलेगा और जिसमें कि क्या कहते हैं बजाज की बैचिंग की गई है 3D में। और गाइस, मैं बता दूँ कि जो इसके पहले 125 आई थी उसमें वाइजर में कोई भी स्टिकर नहीं यूज़ किए गए थे, लेकिन 125 लेजर एडिशन में स्टिकर का यूज़ किया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। गाइस, इसकी जो ग्राफिक्स है यह आपको पूरी चेंज मिलने वाली है, जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो बात कर लेते हैं इसके सॉकर की। तो गाइस, इसमें आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। और आ जाते हैं अब इसके एलोई व्हील में। गाइस, इसके जो एलोई व्हील हैं ये इस बार मैट ब्लैक दिए गए हैं और जिसका फ्रंट टायर है ये 80/100 R17 का यूज़ किया गया है। और मैं बता दूँ इसके एलोई व्हील में भी इस बार स्टिकर यूज़ किए गए हैं। अगर बात कर लूँ इसकी डिस्क की, तो गाइस आपको यहाँ पे फ्रंट में 240mm की डिस्क मिल जाएगी, जो कि 125 में बहुत ही अच्छी है। गाइस, हम बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की। जो गाइस इसका फ्यूल टैंक है वो आपको 15 लीटर का देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। और गाइस, हम बात कर लें इसमें जो टैंक पैड यूज़ किया गया है वो भी आपको क्या कहते हैं ब्लैक और रेड में यूज़ किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और जो टैंक है 125 में, इसमें पहले 3D में क्या कहते हैं जो मतलब बैचिंग थी पल्सर की वो 3D में थी, लेकिन इसमें आपको स्टीकर की मिलेगी जो कि 125 के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मैं बात कर लूँ गाइस इसके आगे के फाइबर में, तो इसमें भी गाइस आपको देखेंगे कि इसमें भी स्टीकर यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। तो गाइस, मैं बता दूँ आपको इसकी सीट के बारे में। तो गाइस, जो इसकी सीट है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये गाइस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग सीट है, कि मतलब अगर आप लोग 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और गाइस, अब मैं बता दूँ जो गाइस के बैक में है इसमें भी आपको इतने 125 की बैचिंग की गई है, जो कि स्टीकर में है। और जो इसके इंडिकेटर है गाइस वो फ्रंट में और बैक में दोनों ही पल्सर की जो बाइकों में आते थे वही इंडिकेटर यूज़ किए गए हैं, कोई चेंज नहीं है इंडिकेटर में। अब मैं गाइस बात कर लूँ इसके सारी गार्ड की। जो गाइस इसमें सारी गार्ड है वो काफ़ी ऊंचा है, जो कि मतलब कि बैठने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देता है। मैं बात कर लूँ इसके बैक सॉकर की, तो गाइस ये एडजस्टेबल सॉकर दिए गए हैं। और गाइस, मैं बात कर लूँ अब इसके इंजन की। तो गाइस, ये DTSSI इंजन है बजाज का, 125 फुल्ली ब्लैक इंजन है। इसमें आपको T का यूज़ किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें इसमें गाइस कैटराडिक कन्वेक्टर का यूज़ किया गया, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और गाइस, ये सिंगल हॉर्न बाइक है। इस बाइक में गाइस बैटरी नहीं फिट है, वरना हम आपको इसका हॉर्न सुनाते। तो गाइस देख सकते हैं, ये आपको 5 गियर की बाइक है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और गाइस, बाइक में जो चैन कवर यूज़ किया गया ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे कि जो आपकी चैन की मेंटेनेंस है वो आपको बार बार जल्दी नहीं करानी पड़ेगी। अब मैं आ जाऊँ गाइस बैक टायर पे। तो जो इसका बैक टायर है वो 90/100 का है, R17 ये भी है गाइस। और मैं बता दूँ, ये जो दोनों टायर हैं ये दोनों ही टायर ट्यूबलेस दिए गए हैं आपको। और गाइस, हम बात कर लेते हैं इसके साइलेंसर की। जो साइलेंसर है वो गाइस इसमें फुल्ली ब्लैक दिया गया है, और जो इसमें के ऊपर मेटल प्लेट यूज़ की गई है वो भी इस बार ब्लैक की यूज़ की गई है। इसके पहले इसमें आपको सिल्वर की प्लेट देखने को मिलती थी। गाइस, ये बाइक जो है 125 में लेजर एडिशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है। मैं बता दूँ इसको, इसमें गाइस जो टैंक पैड है वो बाइक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है। और गाइस, मीटर यहाँ पे आपको एनालॉग एंड डिजिटल दोनों ही देखने को मिलेगा, जो कि पल्सर 125 मिलता था। जो गाइस यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिया गया है, मिरर भी आपको वही पल्सर के दिए गए हैं। तो गाइस, अगर आप क्या कहते हैं बजाज की पल्सर लेना चाहते हैं तो 125 लेजर एडिशन का बेस्ट ऑप्शन है। और गाइस, मैं बता दूं कि ये जो बाइक है ये हमको प्रोवाइड कराई है, कृष्णा मोटर्स नलवल कानपुर से। और गाइस, अगर आप कानपुर के हैं तो ही क्या कहते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो ही क्या कहते हैं इसमें मतलब कि आप कॉन्टैक्ट डिटेल में फ़ोन करें। अदरवाइज अगर आप किसी और दूसरे स्टेट के हैं तो आप अपने नज़दीकी शोरूम का प्राइस चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट न्यू वीडियोज़। थैंक यू।